महागठबंधन की सरकार में गन्ना उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेवारी जो है डॉक्टर शमीम अहमद साहब को मिली है, हमारे साथ हैं, उन्होंने प्रभार भी ले लिया है। मंत्री जी, प्रभार भी आपने ले लिया है, क्या कुछ चुनौती होगी? लगता है कि चंपारण इलाके में गन्ना एक बड़ी समस्या भी रहती है किसानों के लिए, तो उसके लिए क्या कुछ रोड मैप बनाया आपने? अभी तो मैंने कार्यभार संभाला है और बिहार प्रदेश में 90% लोग गाँव देहात में रहते हैं, कृषि कार्य पर निर्भर करते हैं, तो ये पहली प्राथमिकता होगी कि गन्ना का पहले से खेती ज़्यादा हो और यहाँ पे चीनी ज़्यादा मात्रा में बने, चीनी मिल भी खुल ले और यहाँ से निर्यात भी हो चीनी का। खासतौर पे चंपारण के इलाके से ही तमाम, जिससे पहले जो भी मंत्री थे चंपारण के इलाके से, अभी चंपारण से जुड़े हैं, तो क्या लगता है कि चंपारण में जो चीनी मिल बंद है, कई चंपारण में या अन्य जो राज्यों में, अन्य भी जिले में बंद है, उसको लेकर भी कुछ काम करेंगे क्या? हम लोग समीक्षा बैठक कल करेंगे, उसके बाद से सारी चीज़ सामने जब आ जाती है उस हिसाब से फिर हम लोग, लेकिन इस पर काम करके इस विभाग को आगे बढ़ाना है ताकि किसान के हित में ये हो सके। तेजस्वी जी ने बड़ी जिम्मेवारी दी है, गन्ना उद्योग जैसे विभाग दिया है आपको, और किसानों से भी आप जुड़े रहते हैं, आपकी फोटो भी वायरल होती है, आप कभी धान की रोपनी करते हैं, कभी गेहूं की बुआई करते हैं, तो क्या लगता है कितना हो पाएगा, कितना अपने इसके लिए कार्यशैली रोड मैप बनाया आपने? सबसे पहले मैं गाँव से आता हूँ, किसान का बेटा हूँ, तो मुझे किसान की सारी परेशानी मुझे मालूम है। कितनों मेहनत करने के बाद उनकी आय नहीं बढ़ पाती है, तो गन्ना ऐसा विभाग है कि गन्ना की अगर खेती हम करते हैं तो उससे हमारी आमदनी बढ़ने का ज़्यादा चांस रहेगा, तो हम चाहेंगे कि गन्ने की खेती में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी फिर से हो। बीज को लेकर भी एक बड़ी समस्या होती है कि यहाँ के उत्तम बीज नहीं हो पाते हैं, उत्पादन ज़्यादा नहीं हो पाता है, कर्नाटक और महाराष्ट्र और यूपी में ज़्यादा उत्पादन होता है, उसको लेकर भी कुछ पहल करेंगे आप यहाँ पर? एकदम बताया ही पहले कि मैं समीक्षा बैठक करूंगा, जब बीज हमारा सही नहीं रहेगा, खेती के लिए यहाँ जानकारी नहीं होगा, गन्ना का खेती कैसे हो, तो ये कैसे हम उसमें उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए तो सबसे पहले बीज, खाद देने, कीटनाशक देने, कैसे उसका हम पहले रोड मैप बना करके उस हिसाब से हम काम करवाएँ। बिल्कुल, समीम मोहम्मद साहब हैं जो चंपारण से आते हैं और गन्ना उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेवारी इनको मिली है। इनका यह दावा है कि आने वाले समय में किसानों की आमदनी दुगुनी कैसे हो, इस पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा और उत्तम बीज के साथ साथ नई तकनीक से कैसे गन्ना की खेती हो, इस पर सरकार विशेष रूप से काम करेगी। कैमरामैन राजेश के साथ अनुज कुमार, कशिश न्यूज, पटना।